Hello guys, welcome back with another video of the Consumer Equilibrium. आज हम लोग बात करेंगे हमारे Consumer Equilibrium chapter के second case के ऊपर, जो कि है हमारा Consumer Equilibrium Satisfaction with the two commodity case. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा consumer है अब वो दो goods में satisfy होगा. इससे पहले की जो वीडियो हमारी थी उसमें मैंने वन कॉमोडिटी केस एक्सप्लेन किया था. अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही केसेस मेरे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस हैं. तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टू कॉमोडिटी केस के ऊपर बात कर रहे हैं. यानी कि यहाँ पे जो मेरा कंज्यूमर है वो दो गुड्स का सेटिस्फेक्शन करेगा, गुड एक्स या गुड वाई, या गुड ए या गुड बी, एप्पल या ऑरेंज. ठीक, तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अभी तक क्या था, वन कॉमोडिटी केस में हम लोग कॉमोडिटी और मनी में कंपैरिजन कर रहे थे कि दोनों में क्या हमें ज्यादा मिल रहा है, क्या कम मिल रहा है. यहाँ पे जो कंपैरिजन है मेरा वो दोनों कॉमोडिटी के ही बीच में, कि कौन सी कॉमोडिटी ऐसी है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, या कौन सी कॉमोडिटी ऐसी है जिसको सेटिस्फाई करने में हमें सेटिस्फाई, जिसको कंज्यूम करने में हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है. तो ये बात याद रखिएगा, चाहे गुड एक्स हो चाहे गुड वाई हो, हम कभी भी किसी एक कॉमोडिटी में सेटिस्फाई नहीं हो सकते. इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी होगा जब दोनों की जो यूनिट्स है वो मेरी सेम क्वांटिटी में हमें मिलेंगी, या सेम बेनिफिट जब हमें देंगी तभी आपका इक्विलिब्रियम स्टेज आती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हमारे सबसे पहले हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है क्या. तो इसमें क्या है, रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. रुपी वर्थ का मतलब क्या हो गया, जितना मेरे वैल्यू है मार्जिनल यूटिलिटी की. रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेम अक्रॉस गुड एक्स एंड गुड y and equal to marginal utility of money. यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास दो गुड्स अवेलेबल है, एक गुड x और एक गुड y, तो गुड x और गुड y की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. यानी जो x में यूटिलिटी मिल रही है और जो y में यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों सेम. यानी मैं जितना x कंज्यूम कर रहा हूँ उतना ही y को कंज्यूम कर रहा हूँ, और इन दोनों के कंपेरिजन में जो मेरे पास पैसा अवेलेबल है is equal to the margin of money. हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये दोनों का कम जो हमारा consumption होगा वो मेरे दिए गए money में ही होगा. यानी कि यहाँ पे जो ये मेरा money term है MUM जो है वो मेरा constant होगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो MUM है या money terms है मेरा, वो money term मेरे constant होंगे, मेरे money में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होगा. आपको दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आपका 20 रुपए, ठीक, आपके पास 20 रुपए है, आपको इस 20 रुपए में ही खर्चा करना है, चाहे तो गुड एक्स ले लो या गुड वाई ले लो, वो आपकी मर्जी है. ठीक, लेकिन दोनों में हमें सेटिस्फेक्शन लेना है. अब जैसे मेरे पास 20 रुपए, मैंने एग्जांपल दिया मेरे पास 20 रुपए है, हमने यूनिट वन कंज्यूम करी, हमने क्या किया, यूनिट वन कंज्यूम करी. यूनिट वन जब हमने कंज्यूम करी तो हमने एक यूनिट जब ली, गुड एक्स में मिला हमें 25 का सेटिस्फेक्शन. ये यूटिल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, 25 यूटिल्स है ये, यानी सेटिस्फेक्शन पावर है ये. यहाँ पे हमें 25 मिली, यहाँ पे 30 मिली, मतलब दोनों में एकदम टॉप का है, लेकिन हम दोनों ही मेरे कंजप्शन के बाहर है. क्यों बाहर है, क्योंकि भाई हम 20 रुपए हैं तो या तो 25 ले लो या तो 30 ले लो, दोनों तो ले ही नहीं सकते. पहली बात तो एक भी नहीं ले सकते, ना 25 ना 30. क्यों, क्योंकि मनी वर्थ जो है वो मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल से कम है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हमें दोनों में ही ज्यादा मिल रहा है, लेकिन दोनों को कंज्यूम करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए. ठीक, दूसरे में आते हैं, मेरे पास 20 और 26 है, नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है. 20 और 26 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता. 15 और 10 कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 10-2 कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 0-0 ये तो सवाल ही नहीं होता. तो एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए छोटा सा टेक्निक फॉलो करते हैं. 5 ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता, इसको तो छोड़ ही देते हैं. दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास क्या था, एक बात याद रखना, कभी भी जीरो तो लेना ही नहीं, चाहे गुड एक्स हो चाहे गुड वाई, यानी कंजप्शन जीरो तो हम कर ही नहीं सकते. तो हमें गुड एक्स और गुड वाई का कुछ ना कुछ कॉम्युनिटी तो कंज्यूम करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ इस पूरे में आप कोई भी मैचिंग करा सकते हैं, चाहे तो आप 25 और 2 की करा दो 27 होगा, नहीं ले सकते. 25-10 की करा दो 35, नहीं ले सकते. 25-26 नहीं ले सकते. 25-30 तो ले ही नहीं सकते. इसी तरह 20 का करा लो, 15 का करा लो, 10 का करा लो. एक सिचुएशन आपको ऐसी ढूंढनी है जहां पे मेरा MUX की यूटिलिटी और MUY की यूटिलिटी वो दोनों इक्वल हो जाए मेरे 20 रुपए के साथ. ठीक, तो यहां पे हमने कितना अज्यूम कर लिया, MUX की 4th यूनिट और MUY की 3rd यूनिट, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 20,
यानी कि मैं गुड एक्स की 4 यूनिट ले लूं और गुड वाई की 3 यूनिट ले लूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए में मेरी दोनों चीजें आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो MUX का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे बन जाएगा, ये MUX हो जाएगा, ठीक। MUY वो 30 से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको हमने 30 से डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ शो कर दिया, ठीक। इसको यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब एक पॉइंट है 10 जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ये देखो यहां पे ये इक्वल हो गए, ठीक। अब यहां पे ये जो पॉइंट होगा, यहां पे फोर्थ यूनिट आएगी एक्स की और थर्ड यूनिट आएगी वाई, ठीक है ना। यानी कि आपको पूरे शेड्यूल में क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जहां पे मेरे 20 रुपए में दोनों यूनिट हमें सेटिस्फेक्शन दे दें। तो यहाँ पे इस पूरे शेड्यूल में सिर्फ दो ही केसेस ऐसे हैं जिनको कंज्यूम करने में मुझे 20 यूनिट मिल जाएंगी, जो कि गुड एक्स की है 4th यूनिट और गुड एक्स की है 3 यूनिट। मैंने गुड एक्स यानी 4 खरीद लूं और गुड वाई की 3 यूनिट कर लूं तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक। और जिस जगह पे ये दोनों जाके मिलेंगे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। अब जिस सिचुएशन पे ये दोनों मैच नहीं किए, यानी जिस सिचुएशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो क्या होंगी, तो यहाँ पे भी मेरी दो कंडीशन होंगी। पहली होगी MUX upon PX is greater than MUY upon PY। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट मेरा लगेगा जो वन कम्युनिटी केस वाला था, कि अगर आपको गुड एक्स ग्रेटर है, गुड एक्स में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुड एक्स को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जब हमें गुड एक्स में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, वो हमें बेनिफिट ज्यादा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो इन दिस केस कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स बिकॉज इट विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन इन कंपैरिजन टू वाई, यानी वाई के कंपैरिजन में गुड एक्स जो है वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसी वजह से हम गुड एक्स का कंजप्शन ज्यादा करेंगे। और जैसे ही हम गुड एक्स का कंजप्शन ज्यादा करेंगे, उसकी मार्जिनलिटी तेजी से डिक्रीज कर जाएगी और वो हमारे वाई के इक्वल आ जाएगी, ठीक। तभी देखो y जो है वो तीसरी यूनिट पे सेटिस्फाई हुआ और x जो है वो चौथी यूनिट, क्योंकि x जो है वो और नीचे जा रहा था, ठीक है ना। तो अगर आपके गुड x ज्यादा है तो हम गुड x को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और जब वो हमें y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो कंजप्शन ज्यादा करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU जो x की मार्जिनलिटी है वो धीमे धीमे डिक्रीज होने लगेगी। जब वो धीमे धीमे डिक्रीज होने लगेगी तो एक स्टेज आएगी जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो स्टेज मेरी होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक। सेकंड मेरी केस आती है MUX upon PX is less than MUY upon PY, यानी इसमें y ज्यादा है। जब y ज्यादा है तो यानी कि जो मेरा गुड y है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा, जल्दी मिल रहा, तो जब गुड y में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू गुड x, तो हम क्या करेंगे, y को कंज्यूम ज्यादा करेंगे। और एज द कंजप्शन ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU इज मार्जिनलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे हम गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे उसकी मार्जिनलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और सेम वही कॉन्सेप्ट की वो तब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक वो मेरे दोनों के इक्वल नहीं हो जाए। तो अगर एक्स ज्यादा है तो एक्स का कंजप्शन ज्यादा करेंगे वाई के कंपेरिजन में और तब तक कंज्यूम करेंगे जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं। अगर y ज्यादा है तो y का कंजप्शन ज्यादा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये दोनों मेरे इक्वल नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें उन्होंने बात करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द टू कम्युनिटी केस में, जिसमें मेरे पास दो गुड्स थे और उन दोनों गुड्स की क्वांटिटी को लेके हमें सेटिस्फेक्शन करना था।